आज तारीख हो चुकी है 29 सितंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबलों को लेकर। दरअसल यहाँ पर आज से यहाँ पर वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर को शुरू होगा। लेकिन 5 अक्टूबर से पहले यहाँ पर 3 दिनों में सभी टीमें यहाँ पर 2-2 वार्म अप के मुकाबले खेलेगी, जहाँ पर आज के दिन 3 वार्म अप के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर शेड्यूल देख पाएंगे, जहाँ पर आज सबसे पहले श्रीलंका बांग्लादेश का मुकाबला होगा, इसके साथ ही साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जबकि कल के दिन भारत इंग्लैंड का, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का मुकाबला होगा, इसके साथ ही 2 अक्टूबर को इंग्लैंड और यहां पर बांग्लादेश का, इसके साथ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा, 3 अक्टूबर को यहां पर अफगानिस्तान श्रीलंका, भारत नीदरलैंड और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये वार्म अप मुकाबले होंगे। सभी वार्म अप मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होंगे और सभी मुकाबले दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे। तो आप यहां पर स्टार स्पोर्ट्स पर हॉटस्टार पर ये मुकाबले यहाँ पर देख सकते हो। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मुकाबले के रिगार्डिंग सारे अपडेट, सारी डिटेल्स मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें और आप कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन से वार्म अप मुकाबले के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, आती है वर्ल्ड कप पे यहाँ पर अटैक के टेरर को लेकर। दरअसल वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले यहाँ पर खबर ये निकल कर आ रही है कि यहाँ पर खालिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पर वर्ल्ड कप पर अटैक कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट की यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई। इनमें यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से गुरपंत नाम के कोई व्यक्ति है जिनकी यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ल्ड कप के मुकाबलों में टेररिस्ट अटैक की यहाँ पर बात चल रही है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप पर थोड़ा बहुत रिस्क है। हालांकि यहाँ पर अब ICC ने और BCCI ने इसके साथ ही यहाँ पर हर एक यहाँ पर जा मुकाबलों के वहाँ की पुलिस ने और अधिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड कप में और एक्स्ट्रा में सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले इस प्रकार की खबर आ जाने से यहाँ पर टीमों को और प्लेयर्स को यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर झटका लगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये वर्ल्ड कप सेफली कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंजेस को लेकर। दरअसल कल का दिन आखिरी दिन था, कल वर्ल्ड कप स्क्वाड में चेंज करने का आखिरी दिन या फिर आखिरी समय था। कल 28 सितंबर को यहाँ पर सभी टीमों की फाइनल यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर ICC के पास जानी थी। कल BCCI ने अपने यहाँ पर स्क्वाड में एक चेंज किया। अक्षर पटेल जो कि इंजर्ड चल रहे उनको बाहर करके उनकी जगह अश्विन को स्क्वाड में डाल लिया। तो अश्विन अब वर्ल्ड कप के 15 मेंबर्स के स्क्वाड में आ चुके। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट फैसला टीम इंडिया का है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है एशियन गेम्स को लेकर। दरअसल एशियन गेम्स में अब मेंस क्रिकेट यहाँ पर शुरू हो चुका है और टीम इंडिया का यहाँ पर पहला मुकाबला 3 अक्टूबर को होना है। और 3 अक्टूबर के मुकाबले के लिए अब टीम इंडिया चाइना पहुंच चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोस देख पा रहे होंगे, जहां पर गायकवाड़ की कप्तानी में और गायकवाड़ के साथ ये टीम यहां पर चाइना पहुंच चुकी है। जहां पर गायकवाड़ की कप्तानी में इस टीम के पास काफी बड़ा मौका है कि गोल्ड मेडल के साथ भारत आए। जहां पर वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तो रिसेंटली यहां पर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो इन यहां पर खिलाड़ियों के पास भी मौका है कि ये भी वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरह यहां पर गोल्ड मेडल जीत जाए। जहां पर टीम इंडिया का काफी स्ट्रांग स्क्वाड है, इसके साथ ही बाउंड्रीज भी केवल 45 से 50 मीटर की। तो काफी हाई चांसेस है टीम इंडिया हमें गोल्ड मेडल के साथ आती हुई दिखा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग टीम इंडिया आखिर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आएगी या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई के सीईओ की तरफ से। दरअसल चेन्नई के सीईओ ने गायकवाड़ को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर गायकवाड़ इस टीम के फ्यूचर कैप्टन लग रहे। MS धोनी का ये आखिरी साल है और इस साल MS धोनी गायकवाड़ को कप्तानी सौंपेंगे। MS धोनी केवल प्लेयर के तौर पर IPL में नजर आएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अब चेन्नई के सीईओ का स्टेटमेंट कि अगर गायकवाड़ टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिता लेते हैं, वहां पर अच्छी कप्तानी करते हैं, तो उनको यहां पर डायरेक्टली ऑक्शन से पहले ही कप्तानी दे दी जाएगी। डायरेक्टली एशियन गेम्स समाप्त होने के बाद भारत आने के बाद उनको चेन्नई कप्तानी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब एशियन गेम्स को यहां पर गायकवाड़ के ऑडिशन के रूप में देखा जा रहा है। अगर गायकवाड़ एशियन गेम्स से यहां पर गोल्ड मेडल लेकर आते तो उनको डायरेक्टली आते ही चेन्नई कप्तानी मिल जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या गायकवाड़ को आखिर यहां पर चेन्नई कप्तानी मिलेगी या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग क्या गायकवाड़ को कप्तान बनाना इस टीम का सही फैसला है या फिर नहीं, या फिर ऑप्शन से कोई
और प्लेयर इस टीम को तराशने चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की तरफ से। दरअसल अब यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी भारत आ चुकी है, जहाँ पर आज इन टीमों का वार्म अप मुकाबला है। कल ये टीमें भारत आ गई थी, जहाँ पर हैदराबाद पाकिस्तान की टीम आ गई थी, न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई थी। तो कुल मिलाकर अब ऑलमोस्ट यहाँ पर एक एक करके सभी टीमें भारत आ चुकी, सभी 10 टीमें अब करंटली वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है। और पाकिस्तान की टीम को तो काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, काफ़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट पाकिस्तान की टीम को दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम को जेड प्लस सिक्योरिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो कुल मिलाकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से हाल फिलहाल में यहाँ पर वर्ल्ड कप की तैयारियाँ चल रही है। आप कमेंट करके बताइए आप वर्ल्ड कप के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। दरअसल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए भी काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे, जहाँ पर लाइटिंग किस प्रकार से रहेगी, इसके साथ ही किस प्रकार से म्यूजिक रहेगा, किस प्रकार से यहाँ पर लाइट शो किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर तैयारियाँ चल रही, रिहर्सल चल रहे। तो स्टेडियम से लगातार ये वीडियोज़ वायरल हो रही है, लगातार सारी तैयारियाँ करंटली यहाँ पर चल रही है। आप कमेंट करके बताइए आप वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी के लिए भी आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। सभी 200 टीमों के कप्तानों को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन को लेकर। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट ने यहाँ पर वर्ल्ड कप की यहाँ पर सेमीफाइनल की अपनी प्रेडिक्शन कर दी। आप अपनी स्क्रीन पर जैक कालिस, एरोन फिंच, क्रिस गेल, गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर, इरफान पठान, इसके साथ ही मुरलीधरन, शेन वॉटसन, इसके साथ ही संजय मांजरेकर और रोविन उथप्पा की आप प्रेडिक्शन देख पा रहे हो। इन्होंने कौन सी चार टीमों को आखिर सेमीफाइनल में प्रेडिक्ट किया, आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीटली देख पा रहे हो। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से एक्सपर्ट की आखिर प्रेडिक्शन सही होगी, कौन सी चार टीमें इस साल आखिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।